इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एब्रिवेशन के बारे में। अक्सर आपने दवाओं पर कहीं कहीं लिखा हुआ देखा होगा, आईपी लिखा हुआ होगा, है ना, कहीं आपने देखा होगा बीपी लिखा हुआ है, कहीं पे आपने यूएसपी लिखा हुआ देखा होगा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो एब्रिवेशन है ये क्यों लिखे जाते हैं और उनका मतलब क्या होता है। देखिएगा, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। एक्चुअल में ये जो फार्माकोपिया होता है ना, ये एक बड़ी सी किताब होती है। इसमें 4000 से 5000 तक इतने पेजेस होते हैं, यानी कि एक तरह से लगा लो ये फार्माकोपिया ग्रंथ होता है, जिसके अंदर दवाओं के बारे में डिटेल जानकारी लिखी हुई होती है। जैसे कि दवाओं का क्या यूज है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसके इंग्रीडियंट्स है, दवाएं बनाने का क्या क्या प्रोसीजर है ना, ये दवाएं कहाँ से ऑब्टेन हुई है, इस दवाओं को किस किस तरह से स्टोर करना है, कौन कौन से केमिकल टेस्ट से पता चलेगा कि यही दवाई है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना दवाओं के बारे में, ये उन किताबों के अंदर यानी कि फार्माकोपिया के अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है, तो फार्माकोपिया बेसिकली एक मोटी सी किताब है जिसके अंदर दवाओं के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। अब ये क्यों लिखी जाती है, देखिए जैसे यहाँ पर अजिथ्रोमाइसिन है, यहाँ पे लिखा है आईपी, यानी कि ये जो अजिथ्रोमाइसिन है इसके बारे में सारी जो जानकारी है तो ये आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको आईपी, बीपी और यूएसपी एब्रिवेशन के बारे में बताया, इसका मतलब क्या है और ये क्यों लिखे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।